Assalamu alaikum, grade 5. I'm your maths teacher, Saba, and I'm going to teach you today exercise 4C, question number 3 onwards. So, exercise 4C ke pehle do questions hum kar chuke hain. Aaj third question se onwards humne baat karni hogi, and this is mostly based on percentages. So, aaye chalke isko dekhen. Exercise 4C, question number 3 hai. Select the correct option. तो उन्होंने आपको questions दिए हुए हैं, ढेर सारी options दी हुई हैं, जो उनमें से आपको बेहतर लगती है आपने उसको select करना है. हम क्या करेंगे, हम उन questions को solve करते जाएंगे और फिर जो आपका answer होगा that is most likely to be your correct option. तो हम देखते हैं, पहला part है 7/20 as a percentage is fraction की सूरत में दिया गया है, percentage में तब्दील करना है. What do? We multiply it by 100. और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, आप देख सकते हो कि यू कैन कैंसिल आउट द जीरोस. फिर आपके पास रह गया 10 और 2. इन दोनों को भी आपस में, दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, 1 एंड 5. तो आपके पास रह गया 7/5/1, दैट इज 35/1, और उसको हम सिंपली 35% की सूरत में लिख सकते हैं. तो आप अपनी ऑप्शंस में देखोगे 35% जहां दिया गया है उसको आपने इन सर्कल कर लेना है. बी पार्ट है परसेंटेज मींस, अब उन्हें ऑप्शंस दी हुई हैं पर 1000, पर 10, पर 100. तो हमें पता है कि परसेंटेज मींस पर 100 या आउट ऑफ 100. तो एवरी टाइम जब आपको कोई चीज परसेंटेज की सूरत में दी जाती है, उसके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा 100 आता है. इसी तरह चल के अब हम पार्ट सी को देखते हैं. पार्ट सी है 8/32 इज, सो नाउ इफ यू लुक एट इट, 8/32, इसको हमने इन परसेंटेज फॉर्म में ऑप्शंस दी गई हैं, तो परसेंटेज में कर लेते हैं इन 200. सो व्हाट डू वी गेट, बिफोर वी कैन सॉल्व इट, हम देख सकते हैं कि 8 और 32 दोनों 8 के टेबल में आते हैं. आप दोनों को 8 से डिवाइड करो, 8/8 इज 1, 32/8 इज 4. तो आपके पास क्या रह गया, 1/100, यानी 100/4 होता है 25%. तो आपका आंसर फॉर पार्ट सी इज 25%. डी है 75% इज, इसको अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखें, 75% है तो 75/100. दोनों को हम अब सिंप्लीफाई करते हैं, डिवाइड किससे कर सकते हैं दोनों को, 25. And what do we get? We get 75/25 is 3 and 100/25 is 4. तो आपका जो correct option होगा इसमें वो होगा 3/4. Last part है, word percentage is a Latin word. So it comes from a Latin origin, जिसका मतलब क्या है? Per 100. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लिख देना है Latin word वाली option को select करके. अब हम देख सकते हैं question number 4. Change fractions into equivalent with denominator 100. तो आपने क्या करना, आपने इनको equivalent fractions में तब्दील करना है, लेकिन आपका denominator 100 बनाना है आपने. तो अगर आप यहाँ पर देखो, आप किस तरह से नीचे जो 10 है उसको 100 बना सकते हो, 10 को simply 10 से multiply करके. तो denominator हो जाएगा 100. लेकिन अगर आप 10 को 10 से multiply करो, तो numerator को भी करना पड़ेगा, and 7/10 is 70. तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 70/100 है, विद 100 एज द डिनोमिनेटर. यही चीज अगर हम पार्ट डी में देखें, 1/5 को अब हमने 100 बनाना है. किस तरीके से हम बना सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 20. 5/20 इज 100, और ऊपर अब हमें न्यूमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1/20 इज 20. तो आपका आंसर आ गया 20/100. इसी तरह से आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हो, बट फॉर दीज पार्ट्स दीज आर योर करेक्ट आंसर्स. आइए चल के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. टाइम है क्वेश्चन नंबर 5 को देखने का. एक्सप्रेस एज फ्रैक्शंस ऑफ 100 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो उन्होंने आपको ऑफ 100 कहा है, दैट वुड मीन मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 एंड देन सॉर्टिंग आउट द आंसर डेसिमल फॉर्म में. तो हम करेंगे ये, 4 ऑफ 100 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4/100 क्या हुआ, 400, 400/7. तो हमें बेसिकली 400 को 7 से डिवाइड करना है. अब 7 के टेबल में 400 कहाँ आता है,
सेवन फाइव्स आर 35, इसको सब्ट्रैक्ट करें 50 आ गया, सेवन सिक्स आर इन फैक्ट 7 7s आर 49, यू पुट दैट हियर, पीछे क्या रह जाता है आपके पास, यू आर लेफ्ट विद 1, एंड देन यू कैन पुट अ डेसिमल, पुट अ जीरो हियर, 7 1s आर 7, यू आर लेफ्ट विद अ 3, एंड देन यू पुट अनदर जीरो हियर, और फिर क्या लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट 7 4s आर 28, एंड यहाँ पे यू विल स्टॉप, क्योंकि उन्होंने कहा था 2 decimal places तक आप जाएं, एंड 1 4 इज 2 decimal places, तो आपका आंसर है 57.14, एंड इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए को हल करके लिख सकते हैं। इसका अगर हम पार्ट सी देखें, 3/16 ऑफ 100, सेम थिंग, बट दिस टाइम आपने 100 से 3 को मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करना है, इफ वी डू दैट समथिंग लाइक दिस विल हैपन, 300 ओवर 16, अब 16 के टेबल में 16 वन्स आर 16, पीछे रह गया 14, एंड वी गेट टू टेक दिस जीरो हियर, 140, नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट कि 16 के टेबल में 140 कहाँ पे आता है, सो 16 एट्स आर एज वी नो 128, इसमें से फिर आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 140 माइनस 128 दैट वुड इक्वल 12, वी कैन पुट अ डेसिमल हियर एंड पुट अ जीरो हियर, देन यू कैन कैलकुलेट दैट 16 सेवंस आर, व्हाट आर 16 सेवंस आर, 1 12 8 हियर एंड देन 5s आर 80 एज वी नो, सो योर आंसर इज देन 18.75, so you get to express it as a fraction of 100, और साथ आपने 2 decimal places तक अपना answer जो है उसको limit कर दिया। आगे चलते हैं और देखते हैं part 6, write as percentages, now you have fractions that you have to convert to percentages, जब आपको fraction दिया जाता है उसको percentage में तब्दील करना होता है, तो हम क्या करते हैं, simply 100 से multiply करते हैं, अब जब हम इसको 100 से multiply करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 7 × 10 है 70%, तो ये फिर आपका आंसर बन जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, पार्ट डी की एग्जांपल, जहां पर आपने फिर से जब 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या 100 और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यस डेफिनेटली, तो आपका आंसर रह जाएगा 19%, एंड दैट इज इट, तो जितने भी आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं उनको आपने सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना और अपना आंसर जो है उसको नीचे लिखना है। आइए चल के हमारा अगला क्वेश्चन देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट फ्रैक्शंस एज परसेंटेज, तकरीबन वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यू ओनली हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर हम पार्ट बी को देखें, 99 ओवर 100, 100 जो है 100 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 99, तो आप सिंपली उसको 99% लिख सकते हैं। अगर हम पार्ट एफ को देखें, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100, अब हमें पता है कि यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 100 को 25 के साथ, दोनों 25 से डिवाइड होंगे, यहाँ 1 आएगा यहाँ 4 आएगा, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 25 इज 4, 8 × 4 रह गया है, दैट इज 32%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट एफ, एंड बाकी पार्ट्स को भी आप इसी मेथडोलॉजी को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज टू फ्रैक्शंस, अब आपने उसका उल्टा करना है कि परसेंटेज दी गई है उसको फ्रैक्शंस में लिखना है, इज दैट हार्ड, नॉट एट ऑल, व्हेन यू हैव अ परसेंटेज यू सिंपली राइट इट ओवर 100, तो 30 ओवर 100, ये आपका जवाब तो है, लेकिन आप इसको लोएस्ट टर्म्स में भी कर सकते हो, दोनों जो है 10 से डिवाइड हो सकते हैं, so 30 divided by 10 is 3 and 100 divided by 10 is 10, so your answer is then 3/10, d part mein bhi aapne yahi karna hai, 24 ko 100 ke sath aapne denominator bana ke likhna hai, isko jab aap divide karoge further simplify karne ke liye, dono divide ho sakte hain kisse, 4 se, jab aap in dono ko 4 se divide karte ho, 24 divided by 4 is 6 over 25,
और ये है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में जवाब। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को चेंज टू परसेंटेजेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था, सेम मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है। 2 ओवर 7 ऑफ 100 है, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 विद 100, 200 ओवर 7, और इनको आपने फिर डिवाइड कर लेना है लॉन्ग डिविजन मेथड के साथ। सिमिलरली 2 into 100 ओवर 15, 200 ओवर 15, एंड इनको आप डिवाइड कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। इसकी रेफरेंस के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी सॉल्व किया है उसको देख सकते हैं। एंड विद दैट स्टूडेंट्स, आई विल नाउ टेक माय लीव फ्रॉम दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हमने बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं एक्सरसाइज 4C के उनको कंप्लीट करना है। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दैट लेक्चर। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।